हाय गाइस, फाइनली इंतजार खत्म हुआ और सीओ सिटी को ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, सीओ सिटी रिलीज हो गया, बिल्कुल हो गया। ये देखो रजिस्ट्रेशन फॉर सीओ सिटी 2021, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर से एंट्री डिलीट ना कर दे पोर्टल को, ठीक है, जल्दी करो, मैं तो कर देता हूँ अपना, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया तो यहाँ पर जनरल EWS OBC की फीस जो है 800 रुपये है, SC ST ट्रांसजेंडर कैटेगरी की 350 रुपये, PWD की बिल्कुल 0 है, वेरी नाइस, ठीक है। और जो है ओके, तो यहाँ पे आके जल्दी जल्दी करना है सबको, आंटी का विश्वास मत करो, फिर से डिलीट कर देगी पहले वाली की तरह, नोटिस भी डिलीट कर दिया था इसने। क्लियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है, जैसे कैंडिडेट का नाम मांग रहा है, ठीक है, लगा देते हैं जल्दी जल्दी, मैं जल्दी से इसको फॉर्म को रोक, रिकॉर्डिंग को रोक के जल्दी से फॉर्म फिल कर रहा हूँ आप। ओके गाइस, तो मैंने जस्ट देखो एक मिनट के अंदर पूरा का पूरा फॉर्म एक पेज पे भर लिया है, ठीक है, जल्दी से करना है, एनटीए का विश्वास मत करो, फिर से बंद कर देगी पहले वाले की तरह, ठीक है। तो नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, बहुत एनर्जी तेज है आज, सीओ सिटी ने रिलीज कर दिया, कितने महीनों का इंतजार खत्म हुआ है, ठीक है। एड्रेस, सिटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब सबमिट करने के बाद कैप्चा फिल करना है, फिल करने के बाद यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आपने सबमिट पे क्लिक किया, फिर से एक नया विंडो खुला, फिर से नया विंडो खुलने के बाद क्लोज पे क्लिक करके आपको सारी डिटेल चेक करके यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है कि हमने बिल्कुल ठीक ठीक भरा है, ठीक है। इन सबको क्लिक करने के बाद फिर से हम सबमिट करेंगे आई एग्री करने के बाद फाइनली सबमिट के बाद यस फॉर्म फिल हो रहा है, जल्दी करो, एनर्जी बहुत तेज है आज, ठीक है। ओ माय गॉड, फिर से डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे, ओहो जल्दी करो, एप्लीकेशन फॉर्म को नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही फिर से आगे विंडो खुला, आगे विंडो खुलते ही फिर से डिटेल्स मांगी है, मैं फिर से रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, फिर से फॉर्म फिल करता हूँ जल्दी से। ओके गाइस, तो मैंने देखो फिर से फॉर्म फिल कर दिया है एक मिनट के अंदर अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर तो सब कुछ सेम लग रहा है आपको, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी अप्लाई फॉर, अगर आप UG कोर्सेज के यानी अंडर ग्रेजुएट है, यानी कि आपने अगर अभी 12th पास किया है तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है CUET फॉर UG एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एलिजिबिलिटी +2। इसके अंदर आपके पास दो पेपर है, P01 या P02, दोनों को आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये बाद में काम आएगा जब आप जो अलग अलग कोर्स सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, BWOC, अदर, ठीक है, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया फिर से एक नया विंडो खुला, फिर से पूछ रहा है सबमिट करो, फिर से मैंने रिव्यू करने के बाद फिर से फाइनली सबमिट पे क्लिक करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, उसने मांगा यस नो, तो मैंने किया यस, फिर से आगे बढ़ा है, फिर से आगे बढ़ने के बाद फिर से एक फॉर्म और आ गया है, ये बोल रहा है कि पिछले दो मेरे कंप्लीट हो गए हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। तो मैं जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक किया, फिर से ये दिखाएगा मुझे कि डॉक्यूमेंट दो फाइलें, फोटोज अपलोड करनी है, तो मैं दो फोटोज अपलोड कर देता हूँ जल्दी से। हाय गाइस, तो मैंने अपना फोटो अपलोड कर दिया है, ठीक है, आपको बिल्कुल ठीक से फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे आपको अपलोड पर क्लिक करना है, अपलोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है डॉक्यूमेंट फाइल नोट वैलिड, तो आपको यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करनी है। करने के बाद यहाँ पे आपको फीस का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे JEE Main का फॉर्म होता है, इसको इजीली बहुत ही सिंपल बना दिया है NTA ने। ओके, तो आप सिंपली इसके ऊपर जो है प्रूफ ऑफ वेरिफाई अभी अवेलेबल नहीं है और ये सिर्फ ट्रायल पर्पज के लिए था, ठीक है। तो जैसे आप अपलोड करेंगे फीस सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो फीस सबमिट आप डायरेक्ट UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी सबमिट कर सकते हैं, जैसे सिंपली JEE Main का होता है वैसे ही होता है, ठीक है। इसके सारे फॉर्म बहुत इजी होते हैं NTA के, जिससे बच्चे आसानी से फिल कर सके। ओके, थैंक यू सो मच, योर नाइस डे, गुड डे, बाय बाय। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डायरेक्ट एडमिशन लेना हो गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज, टॉप कॉलेज के अंदर, तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, हैव नाइस।